तो हेलो दोस्तों, ये रहा देखो जिसके अंदर हैं वो सारे पौधे हमने जो कल लाए थे इसके अंदर रखे हैं उगाने के लिए। देखते हैं अभी ये कैसे चलते हैं। बाकी कुछ पौधे ये हैं, देखिए हमारे ये अनार का पेड़। ये देखिए दोस्तों, हम लोगों ने क्या करा है यहाँ पे कि टंके को काट के दो ये बना दिए ऐसे बड़े गमले। और आज मैं और करू जो हैं वो ये लेने जा रहे हैं इसके लिए कुछ सब्जी के पौधे बीज। देखते हैं कैसे कैसे आ रखे हैं मार्केट में। तो दोस्तों, हम लोग निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। जब तक ये तैयार होती है अच्छा, तो दुकान बंद हो जाएगी। वो जल्दी कर ले थोड़ा और जल्दी कर ले भाई। अरे पड़ोसी सोचते होंगे अचानक क्यों चिल्लाता है इतना। मुझे चिल्लाने की बड़ी अच्छी, मेरा मन करता है थोड़ी थोड़ी देर में चिल्ला के कुछ बोलने। इसलिए मैं जंगल लेके जा रही हूँ। किस लाइल है अपनी भी यार, तो पिछले 15 मिनट से हम इंतजारी कर रहे हैं यार, ये तैयारी नहीं हो रही। हो जाए यार, 5 मिनट नहीं हुए और 15 मिनट। तेरे 5 मिनट तो कभी पूरे नहीं होंगे। हाँ जी, स्कूटर से जाना है क्या? नहीं दोस्तों, ये देखिए इस स्कूटर मैंने एक जमाने में पेंट किया था। इसकी वीडियो देखना किसी दिन, बहुत मजा आया था इसे पेंट करने में। 1-2 साल हो गए इसे पेंट करे, इसकी वीडियो भी बनाई थी मैंने उस टाइम। देखो इसको नजदीक से देखो कितना अच्छा स्टाइलिश पेंट हो रहा है। मैंने किया है शायद। हाँ आपने किया होगा जरूर। चलो जी बुलंद नर्सरी। ये बालक लेके जा रहा। हम पहुंच चुके हैं नर्सरी और प्यारे प्यारे गमले तरह तरह के पौधे देख रही है ये। अब हम इससे पूछेंगे दोस्तों। हाँ करेला भी है, मिर्ची के पौधे ये हैं दोस्तों। बीज तो नहीं होंगे करेले के? बीज करेले करेला निकाल दो 3। अच्छा रे रे भाई, 2 ही निकालना करेला। 3 ले ले, 3 कर दो 3, मुझे सही लगता है करेला। ये मस्त लग रहा है यार। ये बीज है भाई यहाँ, एक से बीज से तो हमें पौध के लिए तब पौध भी लेने हैं, बीज भी लेने हैं, टाइम लगता है ना बीज में। अरे यार ले देख के रुको। अच्छा है ना भैया, बोगनवेलिया का पौधा भी है। कितने का है वो? 150। 150 का ना बोगनवेलिया है हमारे पास, वैसे ही पूछ रहा था। ये पैकेट कितने के? और कम से कम 5। छोटे हैं बहुत, 2-3 लोग। 5 ले ले, ये हमारे काम आते रहेंगे। इसमें हम कई चीजें उगाते रहेंगे, बहुत तैयार करनी है अब हमने एक से एक। टमाटर का बीज भी दोस्तों, टमाटर का बीज बोल रही हूँ। इसमें हो जाएगा भाई, टमाटर का बीज अच्छी क्वालिटी का देना है। कौन सा टमाटर है? पहाड़ी है देखिए। ये वो है लाल टमाटर, हाइब्रिड है और ये भी हाइब्रिड है। ये वाले पौधे बहुत मस्त लग रहे हैं यार। तो पौधे ले लिए हैं दोस्तों, अब हम थोड़ा आगे जा रहे हैं घूमने के लिए। किस तरफ?
मालदेवता की साइड तो नहीं, मालदेवता की साइड। चलो जरा चलें। ये देखो दोस्तों, जो वायरल साफले मिलते हैं वो यहाँ पे मिलते हैं, हमारे घर के कितने पास हैं। ये देखो बाप रे, अभी फिर वहाँ देख दो तीन दुकान खुली है। नहीं नहीं ये बॉडी टेम्पल जिम है, उसके थोड़ा सा पीछे ये साइड में दिखाता थे। हाँ इस साइड में दिखाया, इसने नहीं दिखाया शायद। और यहाँ के साफले हम लोग पहले एक टाइम था बहुत ज्यादा खाते थे, क्यों बताओ? वो भी पेट में एसिडिटी एक दिन, इसने तो बाहर का खाना पूरा ही बंद कर दिया। और मैं तो खाता रहता हूँ दोस्तों, क्योंकि क्या है कि कभी कभी ट्राई कर लेना चाहिए कहीं कहीं पे ना। पर क्या है कि फिर मैं दो दो तीन तीन दिन का फास्ट भी ले लेता हूँ, 15-20 दिन में एक बार, तो सब बैलेंस हो जाता है। दोस्तों कितनी ज्यादा भीड़ हो चुकी है बाप रे, इस रायपुर वाले एरिया में आने का मन ही नहीं करता, जबकि नेचर के इतने करीब है, लेकिन यहाँ आने का मन नहीं करता इस भीड़ की वजह से। बीच रोड में रुकना पड़ गया दोस्तों हम लोग को, क्योंकि टीम का लाइनअप आउट हो गया। टीम बनाएंगे ड्रीम इलेवन में, बाकी काम सारे बाद में। पहले ड्रीम इलेवन की टीम, अफसोस की बात है यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है, हमें फटाफट आगे जाना पड़ेगा, जल्दी चलो। अभी भी दोस्तों नेटवर्क नहीं आए, और हमने आपसे गाड़ी वापस ही घुमा दी हमने अपने भाई। अब हम वापस आ रहे हैं शहर की तरफ, कहीं आज 4 करोड़ रुपये छूट ना जाए। बना रही है, तब तक हम इसी बीच यहाँ आ गए ओनली वेज लौकी मोमो खाने एक प्लेट। इसका पूरे देहरादून में सबसे बेस्ट लौकी मोमो है दोस्तों। मैं टीम बनाता हूँ फिलहाल, लेट हो गई। तो इस तरह से दोस्तों हम वापस आ चुके हैं थरथर के, गए तो बहुत पास लेकिन ट्रैफिक ने इतना एग्जॉस्ट कर दिया कि हालत ख़राब हो गई है। माली क्या बना रही? बर्फ ले आए। एक सेकंड, मम्मी मम्मी कहाँ हैं? मामी जा रही, आई नहीं अब तक। मम्मी वहां चली गई दिल्ली। हाय पराठे खा रहे हैं हम लोग, पराठे बना रही है, पराठे हम खा रहे हैं। इसके बाद बनाएंगे हम पौधे रात को, पराठे बना रही है, पराठे खा रही है। परांठे ये हैं गाबू के, गाबू के परांठे गोभी के, बहुत टेस्टी बना रखे हैं, बहुत टेस्टीदार परांठे बना रखे हैं। ये देखो बना रही गरम गरम, हम खा रहे हैं नरम नरम टेस्टीदार परांठे। वाह वाह, चलो तब बात करवावे बात, ठीक है क्या? बाय बाय, बोल देंगे वैसे भगवान की कृपा। हाँ देखते हैं क्या भगवान की कृपा होती है। हम चलो ठीक है, ओके बाय बाय। दोस्तों ये मैंने एवोकाडो के प्लांट को दफना दिया है, और इसकी ऊपर मैं डाल देता हूँ, अबे इसके ऊपर डाल रहा हूँ हल्की मिट्टी। अच्छा तो पास लाना उसे, तुम तो थोपड़े नहीं दिख रहे ना? क्यों क्यों क्या क्या दिखाऊं सर, मुंह दिखाऊं या नीचे दिखाऊं? नीचे कह रहा पास। और ये दोस्तों ये एवोकाडो का प्लांट मैंने इस तरह से इसमें लगा दिया है, और इसे छांवदार जमीन रखना चाहिए। चलो कहीं छांव में, छांव में दे गई गर्मी में, तो ये धूप नहीं चाहिए फिलहाल कुछ दिनों से। और ये मिर्ची के हफ्ते आउच कर रही, मेरी कमर टेढ़ी हो गई, ऐसी कब टेढ़ी हो गई, मोटापा मर गया है। डालो इसमें तेरे पे, बस डालो ये ले, बता किसे डालो इसमें,
बस बस क्या कर रही कैरी वाली तूने भी कैरी तो बनानी है अच्छा उधर करेले आएंगे इधर हमारे मिर्ची क्यारी आएगी इधर मिर्ची आएगी इधर करेले आएंगे फिर देखना हमारी शानदार खेती बस बस ठीक है इधर खुदा के बारे करो ये बीज में इतने मोटे मोटे रहेंगे क्या बॉर्डर के लिए ना ये में तक पड़ेंगे ओ भैया टंकी फोड़ देंगे थोड़ी देर में ये देंगे मत रो ना पागल अरे नहीं फोड़ती आसानी से तुम कोशिश क्यों कर रहे थे उसके हाथ से खून निकल गया रे क्या काटा तूने ये तो वो था क्या भैया बोल रही हो इसके हाथ से खून निकल तेज भरा वो भी कांच वो है सड़ा हुआ तेरे टिटनेस लगाना पड़ेगा कर मैं चोट लगा दी अपनी वैसे इसलिए कहते हैं लोग अंधेरे में नहीं करना चाहिए तो आप ही लेके आए मैं सुबह के विचार में थी डेट भी नहीं है भाई किसने ने आपने चोट लगा दिया था हेलो कांच खा गया अब आपको इंजेक्शन लगेगा क्या ये इसको इसको अंदर से वैसा ही है मिट्टी है इसके अंदर की एक वो भी जाली वाली टोकरी मिट्टी मिट्टी आराम से करियो भाई आप देखना वो वाला रन तो घुमाएगा और ये वाला पॉटी कर देगा वापस कर दे इसमें नहीं दो करे ना इसे ये करता है ये छुई जैसा कुत्ता है ये अभी मैं देखूंगी नहीं इसे मैं इसको पकड़ूंगी आज करेला तैयार मिर्ची का पांच पत्ता तैयार चिली फ्लेक्स के चिली बीज ये कुछ बीज जम जाएंगे मम्मी के स्कूल के बच्चों ने आई थिंक अच्छी हो जाएगी वहाँ का डाल रही बोर्ड में भी जाएगी ना छुट्टी वहाँ में इसमें क्यों डाला कोई बात नहीं कितने पौधे निकलेंगे इससे खूब सारे तो दोस्तों इस तरीके से पौधे की रुपाई और ये सब कुछ हो गया और अब हम सो रहे हैं कल मिलते हैं कल हम शायद देहरादून ज़ू जाएंगे मालसी डियर पार्क जिसका नाम था तो मिलते हैं कल उधर ही